नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल में। तो साथियों, आज के जो अपना सेशन है वो EMRS की क्वेश्चन आंसर के लेकर कुछ सेशन है, क्योंकि पीछे वाले वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स आए थे और मैंने कोशिश की है कि ज्यादातर वीडियो पर मैंने रिप्लाई दिया है। और साथियों, चलिए क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू कर लेते हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो अनिश कुमार जी ने भेजा है कि रेजिडेंशियल अलाउंस मिलना चाहिए एज पर NVS सेम फंक्शनिंग है। तो अनिश जी, मैं आपको बताना चाहूंगा सर, मैंने 5 महीने पहले एक मैडम से बात की थी जो ऑलरेडी EMRS में परमानेंट पोस्ट पे थी। तो मैंने उनसे पूछा था कि मैडम आपका वर्किंग क्या है, मतलब कैसे आपको जो काम करना। तो उन्होंने कहा कि हमारा सिर्फ पढ़ाने का काम है, उसके अलावा कोई काम नहीं है। और मैंने उनसे पूछा मैडम एक्स्ट्रा अलाउंस कुछ मिलता है क्या, वो महाराष्ट्र में पोस्टेड थी। तो उन्होंने कहा कि हमें कोई एक्स्ट्रा अलाउंस नहीं मिलता है, जैसे आपके नवोदय में मिलता है। तो मुझे जहां तक पता है कि सिर्फ 6 घंटे पढ़ाने के काम है, उसका जो हाउस मास्टर का काम नहीं दिया जाता है, वो सिर्फ वार्डन को दिया जाता है। तो सर वहां पे आपको एक्स्ट्रा अलाउंस नहीं मिलेगा, मेरे अकॉर्डिंग जितनी जानकारी मुझे है। चलिए, दूसरा इसके बाद में एक बात कर लेते हैं कि EMRS हॉस्टल वार्डन में स्पाउस पे ट्रांसफर हो सकता है क्या। बिल्कुल, स्पाउस केस जो है वो ट्रांसफर पॉलिसी में हर जगह काम करता है, स्पाउस केस बहुत ही सही है। चलिए, इसके बाद में एक साथी ने लिखा है कि साउंड क्लियर नहीं है, तो सर आपको बताना चाहूंगा अभी मैंने बस सेटअप किया है, तो धीरे धीरे हो जाएगा साउंड क्लियर जब अपने पास थोड़ा सा पैसा और होगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट अपने पास किसके लिए है कि सर मेरे पास फॉर्म के समय का ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, न्यू सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम होगी क्या, टेंशन हो रखी है। तो सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपके पास में फॉर्म भरने के टाइम में ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं था तो आप नया वाला जरूर लेके जाइए, एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे केवी का जब इंटरव्यू हो रहा था उस टाइम में भी कुछ कैंडिडेट के पास में ऐसा ही था, पुराना वाला कास्ट सर्टिफिकेट उनके पास नहीं था, नया वाला उनके पास था और उसके बाद में उनको एंट्री दे दी गई थी। ठीक है, कहा तो कहा कि पुराना वाला लेके आओ, लेकिन उन्होंने कहा कि सर है नहीं, तो उनको एंट्री दे दी थी। तो मैं फिर भी ये कह रहा हूँ, जैसे आपके पास मान लो 2016, 2017, 2018 का सेंट्रल गवर्नमेंट का एक भी बना हुआ है पुराना वाला, तो वो लेके साथ चले जाना। ठीक है, और एक बात, ओबीसी सर्टिफिकेट का आप 1 साल से पुराना मत लेके जाना, यानी लेटेस्ट वाला लेके जाना, यानी 1 साल वैलिडिटी उसकी होती है। तो आप लेके जाओ तो देख लेना कहीं वो एक्सपायर तो नहीं हो गया, 1 साल की वैलिडिटी ओबीसी सर्टिफिकेट की होती है। चलिए एक और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इन्होंने शुभम जी ने भेजा कि डीवी के लिए दिल्ली बुलाया जाएगा या स्टेट कैपिटल पटना में ही हो जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका अभी तक कुछ डिफाइन नहीं है कि क्या कहां बुलाया जाएगा या कहां नहीं बुलाया जाएगा। जैसे आप बिहार से हो तो आप पटना सोच रहे हो, राजस्थान वाले जयपुर सोचेंगे, ऐसा नहीं है। कुछ पर्टिकुलर एरियाज डिसाइड किए जाएंगे जहां पे आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद में देखिए कि पीएच कैंडिडेट हूं तो मेरे को ओबीसी सर्टिफिकेट चाहिए क्या। तो पीएच कैंडिडेट हो बिल्कुल ओबीसी सर्टिफिकेट अपना लेके जाइए, क्योंकि उसमें क्या होता है कि अगर आप जनरल से हो तो पीएच कैटेगरी की जनरल की सीट अलग होती है, ओबीसी की पीएच कैटेगरी की सीट अलग होती है। तो वो जो आरक्षण होता है उसके अंदर आपको जरूरत पड़ेगी, तो ओबीसी का भी बनवा के लीजिए, पीएच कैंडिडेट का भी अपना बनवा के लीजिए। ओबीसी वालों को मैं फिर कहता हूं साथियों, स्टेट का अलग बनता है और सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग से बनता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला बना के ले जाइए। और इसके बाद में आदित्य जी ने कहा कि लैब अटेंडेंट की भी बना दो। तो बिल्कुल सर, लैब अटेंडेंट की वीडियो भी बनाएंगे कि कितनी सैलरी है और क्या नहीं है। चलिए इसके बाद में, भाई डोमिसाइल चाहिए क्या, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, इतना कंपलसरी नहीं है। जैसे मैंने यहाँ अभी केवी में ज्वाइन किया तो वहां भी नहीं मांगा, बट अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, बनवा लीजिए, बनवाने में कोई दिक्कत नहीं। वैसे तो आजकल आधार कार्ड उसी का प्रूफ माना जाता है, तो वो इतना कंपलसरी नहीं है। चलिए एक बार और देखिए, नेक्स्ट है स्मिता जी ने कहा है कि सर मेरे एप्लीकेशन फॉर्म में हाई स्कूल में और आधार कार्ड में पापा के नेम में स्पेस है, जैसे कि ऋषि देव, यानी नाम का प्रॉब्लम है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जहां भी नाम का प्रॉब्लम है प्लीज कोर्ट जाइए, कोर्ट में जाके वहां पे जो नोटरी वाले होते हैं उनसे संपर्क कीजिए, वो आपको कोर्ट एफिडेविट बना के देंगे, तो वो लेके जाइए। इसके अलावा कोई लीगल राय है वो वकील या जो नोटरी बनाने वाला हो वो आपको देगा। तो जितने भी नाम की प्रॉब्लम है मैं उनको फिर कहता हूं एक बार प्लीज वो वहां चले जाइए और वहां से वो अपनी लीगल राय ले लीजिए। नेम की जितनी भी प्रॉब्लम, नाम की प्रॉब्लम, डेट ऑफ बर्थ की प्रॉब्लम और कहीं भी छोटी मोटी प्रॉब्लम है, नाम और डॉक्यूमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम है ना, तो वो एक बार कोर्ट में जाके नोटरी वाले से मिल लीजिए, सबसे बढ़िया है। और सर ने नंबर मांगा है किसी ने, तो सर मैं नंबर सबको सेंड कर रहा हूँ। एक नंबर के बारे में बताना चाहूंगा सर, अगर आप मुझे जो भी साथी मुझे कॉल करना चाहिए बिल्कुल कॉल करें, कोई दिक्कत नहीं है, बट शाम को 5 बजे से 6 या 7 बजे के बीच में कीजिए, क्योंकि सुबह स्कूल का टाइम रहता है तो मैं कॉल उठा नहीं पाता हूं। तो प्लीज उसे मेरा ये मत समझना कि मैं एटीट्यूड दिखा रहा हूँ, एटीट्यूड जैसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली स्कूल में होते हैं, बच्चों की क्लास में होते हैं, तो फोन उठाना थोड़ा सा ठीक नहीं लगता, उनको लगता है कि देख सर कितना बिजी है, पढ़ाना नहीं चाहे, तो इसलिए कॉल नहीं उठा पाता हूँ सुबह के टाइम में।
हाँ, एक और साथी पूछते हैं कि डीवी कब तक होगा और ज्वाइनिंग कब तक। तो बिल्कुल बहुत बढ़िया मैसेज है, मैं बताना चाहूंगा साथियों, आपकी जो ज्वाइनिंग है वो मार्च स्टार्टिंग में हो जाएगी, यानी मार्च तक आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। डीवी 10 से 15 दिन में आपको मतलब डीवी के लिए बुला लिया जाएगा। क्यों मार्च में बता रहा हूं मैं, क्योंकि आपको पता है कि अभी सांसद के चुनाव होने हैं एमपीज के, और उसके लिए अभी आचार संहिता लग जाएगी, ठीक है। तो आचार संहिता के अंदर क्या कि ज्वाइनिंग वगैरह का काम बना वो रुक जाता है, जैसे राजस्थान में रुका था। तो आचार संहिता लगने से पहले पहले आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी मार्च के फर्स्ट वीक में। और एक बात और, बिल्कुल इसलिए ज्वाइनिंग जल्दी दी जाएगी क्योंकि मोदी जी हैं वो थोड़ा बहुत बताएंगे ना भाई हमने इतने लाख लोगों को ज्वाइनिंग दी है, जॉब दी है। तो बिल्कुल 101% सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, बड़ा प्रोजेक्ट है एएमआरएस की वैकेंसी। तो जल्दी आपको ज्वाइनिंग देखने को मिलेगी, बहुत शानदार सैलरी भी आपको वहां पे देखने को मिलेगी। फिर एक क्वेश्चन है कि सर 10th और 12th मार्कशीट में सरनेम नहीं है, बाकी सीटेट वगैरह हर डॉक्यूमेंट में सरनेम लगा है, कोई प्रॉब्लम होगी क्या? तो आपको बता दूंगा 10th का जो सर्टिफिकेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोड ऑफ कंडक्ट ही इसका सॉल्यूशन है, एक बार मिल लीजिए लीगल। तो नाम के जितने भी हैं मैं सबको बता रहा हूँ साथियों, लीगल आप एक बार लीगली किसी वकील या नोटरी वाले से मिल लीजिए, वहीं से आपको अच्छी राय मिलेगी। कोड एफिडेविट सबसे फिर कह रहा हूँ, कोड एफिडेविट बनवा लीजिए, वो बहुत जरूरी है आपके लिए। एंड फिर कास्ट सर्टिफिकेट का मैंने बता दिया कि अगर कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो जितना पुराना है उतना ले लीजिए, एक लेटेस्ट वाला अपना बनवा लीजिए, पर सेंटर वाला बनवाइए, स्टेट वाला नहीं चलेगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन और है, इनको हो गया, इनसे मैंने फोन पे बात की थी, कुछ इनका सब्जेक्ट का कुछ क्वेश्चन है, चलिए छोड़ दीजिए इसको, नेक्स्ट देखिए। हाँ, एक कैंडिडेट ने कहा है कि वो ऑलरेडी अभी गवर्नमेंट जॉब में, वो पीजीटी में उनका सिलेक्शन हो गया, तो मैं कल भी बताया था दोबारा बता रहा हूँ साथियों, प्लीज रिजाइन करो। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओ तो आप जरूर बताना कि आप ऑलरेडी जॉब में हो, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में रिजाइन मत कर देना, वरना आपकी जॉब वो भी चली जाएगी 15-20 दिन, ये भी जॉब भी आपकी डिले हो जाएगी, तो दिक्कत हो जाएगी। रिजाइन कब करना है? रिजाइन ज्वाइनिंग करने से जस्ट पहले रिजाइन करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में आपको रिजाइन नहीं करना है। बस आप अपने जो आपका अथॉरिटी है वहां से आप विजिलेंस सर्टिफिकेट जरूर बनवा के ले जाइए, या एनओसी या कुछ ऐसा लेके जाइए कि हाँ हमने वहां पे उनको बताया है। तो विजिलेंस सर्टिफिकेट या एनओसी जरूर लेके जाइए, वो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चेक किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, इसके बाद में किसने किसने किया है, तो डीओपी वाला है, तो डीओपी वाला भी मैं लीगली बता रहा हूँ आपको, नोटरी के पास जाना होगा कोर्ट के अंदर। एंड फिर इसके बाद में ईडब्ल्यूएस वालों का है, तो ईडब्ल्यूएस कह रहे हैं कि 2023-24 फाइनेंशियल ईयर का है, तो क्या वो चल जाएगा या रिजेक्ट कर देंगे? तो पुराना है तो साथियों फिर कह रहा हूँ नया बनवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, नौकरी बार बार नहीं मिलती है, नौकरी जिसको मिलती है किस्मत वालों को मिलती है, तो इसके लिए अगर आप एक दिन परेशान भी होते हो तो कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, तो वो बनवा लीजिए। चलिए अब देखिए, ईडब्ल्यूएस यूपी का है हिंदी में, तो क्या दूसरा बनवाना पड़ेगा सेंट्रल में? बिल्कुल बनवाना पड़ेगा, सेंट्रल फॉर्मेट बिल्कुल 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 बनवाना पड़ेगा। एक साथी पूछ रहे हैं कि सर पीजीटी के अंदर उन्होंने ज्योग्राफी से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, बीएड उन्होंने मैथ्स और फिजिक्स जैसा कोई सब्जेक्ट उससे किया है, और बीएससी भी उन्होंने उससे किए मैथ्स, उसमें ज्योग्राफी उनकी नहीं थी, बीएड में भी ज्योग्राफी नहीं थी और ग्रेजुएशन में भी ज्योग्राफी नहीं थी, पोस्ट ग्रेजुएशन उन्होंने ज्योग्राफी से किया, उनका पीजीटी में सिलेक्शन हो गया है, तो क्या होगा? तो मैं आपको बताऊं, नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, फिर कह रहा हूं नोटिफिकेशन अकॉर्डिंग आप 100% एलिजिबल हो, आपको जॉब से नहीं हटा सकते, क्योंकि नोटिफिकेशन में सिर्फ और सिर्फ यही लिखा है कि आपके पास बीएड होनी चाहिए, उसमें सब्जेक्ट मेंशन नहीं किया, और दूसरी बात उन्होंने लिखी है कि आपकी कंसर्न सब्जेक्ट में आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत बहुत बधाई हो आपको, और आपका कोई टेंशन की बात नहीं है नोटिफिकेशन अकॉर्डिंग। और एक सर कह रहे हैं कि सीजीएचएस डिडक्शन नहीं बताया, तो सैलरी वाला वीडियो बनाया था उसमें सीजीएचएस का डिडक्शन उन्होंने मैंने नहीं बताया, तो मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों, सीजीएचएस का एक्चुअली मेरा कार्ड बना नहीं था, तो मुझे अभी तक पता नहीं कि सीजीएचएस का डिडक्शन कितना होता है, जैसा मैंने सुना है 1000 रुपए पर मंथ करते हैं, तो शायद वो सीजीएचएस का डिडक्शन 1000 रुपए होगा, और अच्छी बात है अगर सीजीएचएस आपका बनता है तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए आगे देखते हैं, वेस्ट बंगाल, हाँ एक साथी कह रहे हैं कि सर मैं ऑलरेडी वेस्ट बंगाल में स्टेट में हूँ, तो क्या डीवी के टाइम मुझे रिजाइन करना होगा? नहीं सर, डीवी के टाइम रिजाइन नहीं करना है, ज्वाइनिंग से पहले आपको रिजाइन करना है। डीवी के टाइम में मैं फिर कह रहा हूँ, डीवी के टाइम में जो गवर्नमेंट जॉब में प्लीज विजिलेंस सर्टिफिकेट, अगर आपने एनओसी नहीं मिल रही है तो विजिलेंस सर्टिफिकेट जरूर ले जाइए। विजिलेंस सर्टिफिकेट क्या होता है कि आपके खिलाफ कोई भी विभागीय कार्यवाही नहीं हो रही है, तो विभागीय कार्यवाही नहीं हो रही है इसको लेकर आप वो सर्टिफिकेट जरूर लेके जाइए प्लीज, मैं फिर कह रहा हूं आपको। फिर एक साथी कह रहे हैं कि रेजिडेंशियल स्कूल्स में टीए नहीं मिलता है,
क्योंकि जब जाते हैं तब मिलता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा सर, मैंने भी नवोदय में जॉब किया है और सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी जॉब है सब में टीए मिलता है, ट्रेवलिंग अलाउंस पर मंथ वाला मिलता है। इसके अलावा अगर आप कहीं पे जाते हो तो वो अलाउंस भी मिलता है। जैसे मान लो कि आप ऑफिशियल काम से जयपुर से दिल्ली गए तो जो ट्रेन का जो आपका यात्रा भत्ता है वो भी आपको मिलेगा, ठीक है। इसके लिए जैसे आपकी पीजीटी पोस्ट है तो पीजीटी पोस्ट में आप रेलवे के अंदर सेकंड एसी में यात्रा करने के लिए एलिजिबल होते हो। पीजीटी कितनी बड़ी बात है, टीजीटी वालों को भी है। टीजीटी और पीजीटी दोनों ही सेकंड एसी में यात्रा कर सकते हैं। इसके अंदर वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ये भी सेकंड एसी में यात्रा करते हैं। आप देख लो कि प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के बराबर बैठ के यात्रा कर सकते हो, तो ये अच्छी बात है। एक कैंडिडेट विकास कुमार सर पूछ रहे हैं कि सर इसमें इंटरव्यू भी होता है क्या, प्लीज बताएं। तो बताना चाहूंगा साथियों, इंटरव्यू नहीं होता है। पीजीटी टीजीटी किसी में इंटरव्यू नहीं है। सिर्फ जो एलडीसी वाली पोस्ट थी उसमें आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा कि आप कितनी अच्छे से स्किल कर वो टाइपिंग कर सकते हो, तो उसमें आपका स्किल टेस्ट है। बाकी इंटरव्यू किसी में नहीं है। जिन जिनका सिलेक्शन हो गया उनका फाइनल सिलेक्शन है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। चलिए अभी कुछ एमआरएस में फैमिली को साथ रख सकते हैं क्या? सर वार्डन को शायद प्रॉब्लम आ सकती है, बाकी सारे जॉब है उनमें फैमिली साथ रहेगी। वार्डन वाला मैं कंफर्म नहीं हूं कि सर रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, बाकी सब अपनी फैमिली को साथ रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड इसके बाद में कुछ ओबीसी सर्टिफिकेट वाले तो सबको बता दिया सर मैंने अभी। कॉन्टेक्ट नंबर साथियों मैंने बताए हैं आपको, कॉन्टेक्ट नंबर मांगा है तो मैंने बहुत सारे कमेंट्स में अपने कॉन्टेक्ट नंबर देकर रखे हैं, एक बार दोबारा लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें तो 9521414667। तो ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है साथियों, अगर आप कॉन्टेक्ट करना चाहो तो शाम को 5 बजे बाद आप कॉन्टेक्ट कर लीजिए। और एंड सारे डॉक्यूमेंट सारी कमेंट्स के रिप्लाई मैंने कर दिए हैं, सारे डाउट्स मैंने बता दिए हैं, ज्वाइनिंग वाली मैंने बताई दी है और डीवी से रिगार्डिंग मैंने बातें आपको बता दी है। एक बात और, अगर नाम में डेट में कहीं प्रॉब्लम है तो प्लीज कोर्ट में जाके किसी अच्छे वकील से मिल लीजिए या फिर कोई नोटरी वाला है वो आपको लीगली राय देगा। वहां पे अपना कोर्ट एफिडेविट जरूर बनाइए। 2019 में जब मेरा वेटिंग में राजस्थान में सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन हुआ था तो मेरे पास भी ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं बना था, तो मैंने कोर्ट एफिडेविट दिया था आरबीसी को, उन्होंने दे भी दिया था। तो कोर्ट एफिडेविट है वो शपथ पत्र होता है कि भाई मैं इस तरह से मेरा वो है, तो वो दिक्कत नहीं करेगा आपको, ठीक है साथियों। आज की क्लास, आज की जो अपना सेशन है वो इतना ही है क्वेश्चन आंसर के रिगार्डिंग। अगर आपको साथियों कोई और डाउट है तो बिल्कुल आप पूछिए, आपका छोटा भाई समझ के बड़ा भाई समझ के कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे के कमेंट आइए कि जैसे के ऊपर वो बनाइए, लेफ्टिनेंट के ऊपर सैलरी वाला बनाइए, तो बिल्कुल बनाएंगे, ठीक है साथियों। थैंक यू, धन्यवाद। और एक बात और, आवाज क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा नेक्स्ट टाइम से, और थोड़ा सा अच्छा माइक वाइक भी लाएंगे, बस थोड़े दिन का इंतजार कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।